होगा तो इधर सेंटर और यहाँ होगा तो इधर को सेंटर। अब जब यहाँ से आया तो भागते हुए स्पीड इधर को आ रही है ना, फोर्स भी इधर है तो इधर एक्सीलरेट कर रहा है, लेकिन जब स्पीड की वजह से इधर निकल जाएगा वो रिकॉर्डिंग चल रही है ना फोन की, पता नहीं मेमोरी में वीडियो फुल हो जाए बंद कर दे चल रही है जल्दी। नेक्स्ट तो स्टेटमेंट वाला है तो बैठ के मुझे जाने चाहिए। फिफ्थ में देखो क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल कैविटी विद इन अ स्फेरिकल प्लैनेट मस्ट बी नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म। बोला गया है कि कैविटी के अंदर फील्ड नॉन जीरो ही होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए, हमेशा नहीं होता। अगर कैविटी का सेंटर आपके सेंटर से कॉइंसाइड करेगा तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, तो वहां फिर जीरो हो जाएगा, तो यूनिफॉर्म होगा लेकिन जीरो या नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है। तो ए ऑप्शन अपना गलत हो गया। बी ऑप्शन है व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली एट एन एप्रिसिएबल लार्ज हाइट अबव अर्थ विद अ वेलोसिटी लेस देन फॉर सर्कुलर ऑर्बिट It will fall to the earth along a parabolic path. ना बोला जा रहा है कि अर्थ के सरफेस से h हाइट से अगर हम फेंके तो वो सर्कुलर ऑर्बिट की वेलोसिटी जो v नॉट होता है उससे कम से अगर फेंके तो वो पैराबोलिक पाथ पे आके अर्थ पे गिर जाएगा। नहीं हो रहा, अपन ने डिस्कस किया ही था ना, ये एक मिनिमम वेलोसिटी पॉसिबल है जिसमें वो इलिप्स में घूमता रह जाएगा, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। A body of zero total mechanical energy placed in gravitational field will escape the field. हम लोगों ने देखो देखा है कि अगर कोई भी बॉडी को escape कराना है तो जितनी potential होती थी उतनी kinetic दे देते थे या उससे ज्यादा, तो उससे क्या होता था टोटल एनर्जी उसकी क्या हो जाती थी जीरो, तो जीरो होने के बाद ही वो escape कर पाता था ना। इसमें वही बोल दिया कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर जीरो हो जाए तो escape हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही बात है। अर्थ सैटेलाइट मस्ट बी इक्विटोरियल प्लेन, नहीं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट केवल इक्विटोरियल प्लेन में होंगे लेकिन पोलर सैटेलाइट भी हो सकते हैं, जैसे हाँ रहते हैं ना ऐसे वाले जो सैटेलाइट ऐसे पोल के राउंड घूम रहे हैं, तो ये सब जो होते हैं ये सब स्पाइन पर्पज के लिए कुछ होता है ना, कोई कंट्री को दूसरे कंट्री पे नजर रखनी है तो उस टाइम पे क्या करते हैं जब जरूरत होती है तो उस हिसाब से उसको ऊपर लेके आते हैं उस कंट्री के, क्योंकि यहाँ पे ये लगातार अर्थ घूम रहा है ना, ये ऐसे घूम रहा है तो इसके ऑर्बिट के सामने हमेशा अलग अलग कंट्री आते रहेंगे, तो उस हिसाब से ये लोग इसका ऑर्बिट का हाइट एडजस्ट करके जिस जरूरत के हिसाब से जिस कंट्री पे स्पाइन करना है वो करते हैं, यूएस वगैरह का ही काम रहता है।
पोलर सैटेलाइट के लिए पर्पज है, जियोस्टेशनरी हर टाइम सामने चाहिए, तो वो कम्युनिकेशन पर्पज ना इन सब के लिए यूज होता है पोलर का। सेकंड वाला भी एक बार सेकंड वाला, सेकंड में देखो अर्थ है, अर्थ के यहां से एच हेड से अगर हम देखें तो ये ऐसे कुछ पाथ पे जा सकता है ना, ऐसे जा सकता है ना, अगर जैसे ऑर्बिटल स्पीड में तो क्या होता है ऐसे सर्कल में चलता, लेकिन ऑर्बिटल से कम से फेंकोगे तो अंदर वाला इलिप्स बनेगा ना, तो जरूरी तो है नहीं वी नॉट से कम से फेंका तो वो अंदर टकरा ही जाएगा, अंदर वी नॉट से कम होगा तो ऐसा कोई भी इलिप्स पॉसिबल है ना, बट सर्कल के अंदर वाला इलिप्स, तो ये तो नहीं बोलोगे। हाँ इलिप्टिकल होगा, अच्छा अच्छा बट हाँ ये क्लिक करो बोर्ड होगा, कम बच्चे रहते तो एनर्जी नहीं आती कि इतना हो गया फटाफट रब करें, हमेशा तुम इस क्लास के बोर्ड का ध्यान रखा करो, तो एकदम ऐसे एक नंबर चिप चमकना चाहिए एकदम वाइट। आज तो आज कर देगा, पहले पहली बार बोर्ड पे आ रहा है, देखते हैं करते क्या कर लिया बोर्ड पे ही हम। और बाहर से सर उसका पूरा पूरा का मास निकल, तो यहां पे से जो आपने पकड़ा तो h इक्वल्स टू g टोटल मास उसका m और स्मॉल मास ले लेंगे इसका, और ये इसका सॉरी इधर किधर सरफेस के पास, हां और ये f होना और उसके अंदर लिया तो इसका इसका तो उतना ही आएगा, तो f टू इक्वल्स टू और g इसका m m by 3 m डिस्टेंस वही सरफेस के जस्ट पार्ट से जस्ट अंदर है ना, डिस्टेंस कैपिटल आ रही है, क्या बात है, कितना शानदार हैंडराइटिंग है, इतना छोटा लिखा उसके बाद भी आ रहा है। अब यार प्रथमेश जी जितना भी तुम नहीं लिखना चाह रहे थे, अरे सर उधर आने के बाद में सेल की वजह से भी लिख देता करते थे सर, लेकिन वो टू स्पेरिकल हैश क्यों हो रहा है, टू स्पेक्टर मतलब जो अंदर नहीं वो टू पीसेस के बाद कॉमा नहीं टाइप किया नहीं प्रॉब्लम, टू पीसेस अ स्फेरिकल शेल एंड अ पॉइंट मास, हां नहीं टू अलग अलग स्फेरिकल शेल टू डिवीजन इज मान लीजिए,
थोड़ा तो वो क्वेश्चन में इंग्लिश ऊपर नीचे रहेगी, अपन को तैयार रहना पड़ता है एग्जाम में भी होगा ये सर। अपने यहाँ जैसे पेपर में एक दो डाउट रहते हैं एग्जाम वाले भी फुल, हम लोग एग्जाम वालों को फुल फॉलो करते हैं, यहाँ पे भी दो तीन डाउट होता है तो अपने यहाँ भी तीन डाउट रहते हैं। नेक्स्ट बताओ आप। नाइन्थ, इन अ स्पेरिकल रीजन डेंसिटी वेरीज इनवर्सली, ये वाला सबको समझ आ गया ना। In a spherical region, density varies inversely with the distance from the center. Gravitational field at a distance r from the center. ये कौन करना चाहेगा? Inversely, तो one करने का आता है इसमें। तेरा तो आया ना है, करेगा तो है नहीं, क्या फायदा? और तूने में से कोई नहीं किया? सर नहीं आ रहा था। नहीं आया है। रजत सब सही चल रहा है। एक गाना था पहले बहुत देखने जिंदा है हम इनका भी एनर्जी लेते हैं। थोड़ा तो यार तू कुछ वॉक वॉक कर, एक्सरसाइज कर, करने की बात ही हालत है एकदम लूज रहता है, एकदम सोता होता है प्रॉपर अच्छे से, खाता भी है सही से, फिर भी तो नाइन्थ के कोई नहीं करना, फालतू करना चाहेगा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है तो अभी भी जाके बढ़ बढ़ के आ रहा है। थोड़ा समझा भी देगा ना? ठीक है, हल्का तेरे रिकॉर्डिंग ऑन थी, तू आ गया है, मुझे प्रॉब्लम प्रेशर नहीं देता लड़का ये। श्रेयस का नाम पांडा सही रहेगा नहीं? पांडा वही है क्या? और इसके खालकर के लिए छोटा भी क्या है? बड़ा भी नहीं, बड़ा बड़ा बड़ा। बड़ा पांडा खालकर है, ये छोटा पांडा। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो सर अभी ऐसी गड़बड़ हो जाती है, ऐसी गड़बड़ हो जाती है मेरे साथ। बोला था पोटेंशियल लिखा है उसने, देखो अभी जब बाद में सिद्धांत तू भी करना चाहेगा कुछ? नहीं, तेरा भी कुछ नाम रखना पड़ेगा सर। मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर है। ठीक है, कुछ नहीं पड़ेगा। क्या करें यार, काम करने के बाद उसको पुतला पता है कि इसको कैसे साफ करेंगे, पुतला तक कर देगा वो। तो वो नाइन्थ में क्या बोला गया है? ये तो चलना कौन हो गया, एक भाग के मार कर रहा हूँ मैं जल्दी खत्म हो गया वो, एक तो लाया नहीं चल रहा। सर्कल रीजन है जहाँ पे डेंसिटी वेरीज इनवर्सली विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ना। अगर हम इसके सेंटर से कुछ r डिस्टेंस पे जाते हैं तो r डिस्टेंस पे जो डेंसिटी है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो हम लोग यहाँ पे कुछ मान लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ k है,
अब अगर हमें r डिस्टेंस पर फील्ड की वैल्यू चाहिए, क्या निकालना है r डिस्टेंस पर? हाँ, फील्ड चाहिए। तो r डिस्टेंस पर फील्ड केवल किसके वजह से होगा, जो इसके अंदर मास है या जो इसके बाहर मास है? बाहर वाले की वजह से तो नहीं होगा ना, अंदर वाले मास की वजह से होगा। अब आपको डेंसिटी पता है तो आप इसके अंदर का मास निकाल सकते हो, सारा मास आ जाएगा। तो सारा का सारा मास इसके सेंटर पे रख करके gm by r square लगा दो कि इसके सेंटर सरफेस पे हमें फील्ड चाहिए, जो स्मॉल r रेडियस का स्फीयर बनाया उसके सरफेस पे चाहिए। अगर अंदर का मास कुछ मान लो m है तो सरफेस पे फील्ड कितना बोलोगे? gm upon में r square ना, सारा m मास सेंटर पे रख करके यहां फील्ड बता दोगे। और m कैसे निकालोगे? पीछे देखो, अपन ने जो सॉलिड स्फीयर में सब किया था वहां डेंसिटी कांस्टेंट थी ना, तो वहां वाला फार्मूला यहां नहीं लगाएंगे, तो तूने आके कर दिया था। जब डेंसिटी चेंज हो रही है तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे कुछ मान लो वायर डिस्टेंस पे डी वाई थिकनेस का एक ऐसे हॉलो स्फीयर ले लें, डी वाई थिकनेस का। तो ये डी वाई थिकनेस का ये जो हॉलो स्फीयर है इसका हम डेंसिटी कांस्टेंट मान सकते हैं क्या? डी वाई थिकनेस का जो हॉलो स्फीयर है क्योंकि उसका हर पॉइंट सेंटर से वायर डिस्टेंस पे है ना, तो उतने पार्ट के लिए हम लोग पहले मास लिखेंगे। उतने पार्ट का मास कैसे लिखेंगे? उतने पार्ट का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इसका वॉल्यूम कितना होगा इतने पार्ट का, इस वाले पार्ट का? उसका सरफेस एरिया इनटू हाइट। सरफेस एरिया कितना पकड़ेंगे? 4πy² और हाइट कितनी पकड़ेंगे? dy। तो ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी k/r। r r कितना है मास के लिए? y। तो ये बन जाएगा 4πk, बाहर हो गया, अंदर क्या बचेगा? y dy। हमें कहां तक का मास चाहिए? 0 से स्मॉल r तक का। तो ये हो जाएगा 4πk r² by। तो ये हमारा मास आ गया। अब मास में देख रहे हो ऊपर r स्क्वायर का टर्म बना है ना, ऊपर r स्क्वायर का टर्म है। तो जब मास यहां रखोगे तो r स्क्वायर ऊपर नीचे से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो फील्ड क्या हो जाएगा हर जगह पर? सेम हो जाएगा ना, r पर डिपेंड नहीं करेगा। समझ आ गया? बालू में भी डाउट है कुछ? मतलब अगर एक एक रेडियस से डेंसिटी कांस्टेंट है तो उसके बाहर चल रहा है कैसे भी हो? वैसे भी नेक्स्ट 18 में देखो क्या है, सैटेलाइट ऑफ मास m इज इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ठीक है, स्पीड ऑफ सैटेलाइट एट इट्स नियरेस्ट पॉइंट इज दिस। ठीक है, दैट इज इट। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, और यहां पर डिस्टेंस फ्रॉम तो वो क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई इलिप्टिकल ऑर्बिट में चल रहा है और उसकी पेरिजी वाले पॉइंट की स्पीड दी है और बाद में हमको उसको सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाना है, तो सर्कुलर ऑर्बिट का आर देखकर के ऑर्बिटल स्पीड निकलोगे। तो आपको बोला गया कि जो पेरिजी पे स्पीड थी और जो ऑर्बिटल स्पीड में ऑर्बिटल सर्कुलर ऑर्बिट में जाएगा तो उसमें जो स्पीड आएगी दोनों में कितने का डिफरेंस होगा, पेरिजी वाली स्पीड और जो सर्कुलर ऑर्बिट में
ऑर्बिटल स्पीड होगी, दोनों में डिफरेंस बता रहा है। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझा तो मुझे क्या है कि अर्थ के अराउंड कोई इलिप्टिकल ऑर्बिट में सैटेलाइट ऐसे घूम रहा था। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में जब घूम रहा था तो पेरिजी की ये डिस्टेंस दी है, ये आर दी है, तो पेरिजी वाली डिस्टेंस आर है। तो जब वो एपोजी वाली डिस्टेंस जो होती है उतने रेडियस के अगर इसके हम आर ए वाले ऑर्बिटल में इसको घुमाए, ये इधर का रेडियस कितना लेना है आर ए के बराबर, तो इसमें जब वो घूमेगा तो इसकी जो ऑर्बिटल स्पीड होगी और यहाँ पे जो स्पीड पेरिजी पे दी है इनमें कितने का डिफरेंस है ये पूछा गया है। ठीक है, पेरिजी वाले पॉइंट की स्पीड तो हमें बताई दी गई है, रूट होगा वो रूट है, वो नहीं है किया है कर लो ना, पेरिजी वाले पॉइंट में स्पीड है 6 gm by pi r। एपोजी वाले पॉइंट की स्पीड लिख लोगे क्या? अगर इसमें इसेंट्रिसिटी नहीं मतलब एक्सिस का ये नहीं तो डी लेंगे ना बड़ी वाली डिस्टेंस, वो नहीं दी हुई है नहीं मतलब मेजर एक्सिस तो अपन के पास और तो ऑप्शन है ना, लिखेंगे ना इक्वेशन क्या क्या ऑप्शन लिखेंगे, हमें क्या चाहिए वी ए निकालना है, मतलब ऑर्बिटल स्पीड हमें चाहिए, तो वी ए निकल जाएगा हो जाएगा अपना काम। आप क्या करोगे, आपकी ये डिस्टेंस पता है, यहाँ की स्पीड पता है, यहाँ का एंगुलर मोमेंटम लिखो, यहाँ का एंगुलर मोमेंटम लिखो, एक इक्वेशन फिर एक वहां की एनर्जी लिखो, यहां की एनर्जी लिखो, दो इक्वेशन अपोजिट की डिस्टेंस नहीं पता ना, अननोन कितने हैं अपोजिट की डिस्टेंस, फिर ये वेलोसिटी अपोजिट, और कितने इक्वेशन लिखे, दो ही दो अननोन दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। सर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको डी लिया तो रूट 6 gm / 5 r इज इक्वल टू रूट 2 gm * d / r + g सो आर चल लिखे इधर हाँ, वो ये पता है ना r - d / r पता है ना, d / r ये आपने बताया अच्छा हाँ वो तो ठीक है, हाँ सही बात है। हाँ हो जाएगा एक्चुअल में वो हो जाएगा ये थोड़ा सा ज्यादा सोच कैलकुलेशन वगैरह है इसने देखो क्या किया है, ये वाले डिस्टेंस को डी मान लिया है ना, ये डिस्टेंस क्या होती है दूर वाले डिस्टेंस ए इनटू 1 प्लस ई ना, और पास वाले डिस्टेंस कितनी होती है ए इनटू 1 माइनस ई, तो इनका रेशियो डी बाय आर कितना हो जाएगा 1 प्लस ई ओवर 1 माइनस ई, रेशियो ये हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला दिया है ऐसे यूज कर सकते हैं, तो ये अब हमें जैसे ये
ऑर्बिटल स्पीड दी हुई है, पेरिजी पे स्पीड दी है। अब पेरिजी पे स्पीड का हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, पेरिजी पे स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है, जीएम अपॉन आर। टू भी रहता था क्या? रिलेशन आ गया है और डी आर में एक ये रिलेशन है, या फिर मान लो इसमें से डी आर में रिलेशन आ जाएगा तो वही यहाँ पे कुछ रख दो तो कोई एक के टर्म में बन जाएगा, फिर दूसरे वाले की जब वेलोसिटी लिखोगे तो उसमें बस उसी रिलेशन को यूज कर लेना। सर्कुलर के लिए लिख लेंगे जीएम बाय ए, एपोजी पे स्पीड का जब फॉर्मूला लगाओगे तो वहां लिख दोगे जीएम अपॉन में ए 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, नहीं चमका होगा मेरे हिसाब से। चले यहां ना, लेकिन उसमें इसेंट्रिसिटी निकल गई है, इसेंट्रिसिटी निकल गई है और फिर बाद में वो सब पुट कर दिया। ये समझ आया है क्या बोल रहा हूँ? ये देखो कितने लोगों को समझ आया, मैं ऐसे चेहरा देख के बता सकता हूँ कितने लोगों का ठीक है, समझाऊँ या नहीं मुझे तुरंत पता चल जाता है किसको समझ आया किसको नहीं। दोनों नहीं पूछते वो अलग बात है, इस रिलेशन तक समझे उसके बाद। अबे यार तेरे चेहरे पे कंफ्यूजन आ गई, मेरे को तो मैं भी कभी कभी रॉन्ग हो जाता हूँ। चलो इसी मेथड से समझा देता हूँ एक बार, देखो क्या क्या है। अपन को क्या दिया हुआ है, वीपी दिया हुआ है ना, और निकालना क्या है वी नॉट, मतलब क्या निकालना है वहां वाली से, नहीं ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है ना, जब इतने रेडियस में घूमेगा हमें आर ए निकालना है, अगर आर ए निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे जी एम अपॉन में आर ए, अगर हमें आर ए की वैल्यू मिल गई तो यहाँ रख देंगे ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगा, ऑर्बिटल चाहिए ना, जब ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा आर ए रेडियस के तब वाली स्पीड, यहाँ की स्पीड नहीं चाहिए ठीक है। अब हमें इनको ये दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन में ए, ऐसे फॉर्मूला होता है ना, तो उससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे उसका रेट नहीं यही तो होता था वहां पर अरे वो पहले का लिखा हुआ है। अब देखो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये वाली डिस्टेंस d है और ये वाली r है तो ये पूरा कितना है, r को भी लिख दो ना, कितना a - a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट ई मिल जाएगा, r को लिखो a * 1 - c और 5 अच्छा तो r a - a * 1 - c लिखा हां तो और भी अच्छा है, फिर e आ जाएगा ना, e आ गया तब तो काम अपना और आसान हो गया, और मैं फाइव समझो इतना भी करने से अच्छा हम यहीं पे लिख देंगे a इनटू 1 माइनस e, r क्या था, हाँ पास वाले डिस्टेंस है ना, और ये बराबर हो जाएगा gm अपॉन में a 1 प्लस e ओवर 1 माइनस e, तो a और 1 माइनस e कट गया, तो इसका मतलब क्या है 1 plus e बराबर है 6 by 5 के, तो e मतलब है 1 by 5 ना, e हमें पता चल गया, ये वाला नहीं उससे वो वाला में ये r पता क्या है, पेरिडिकल डिस्टेंस a और e के टर्म में पता कितनी होती है, नहीं पता
वो सब रिकॉर्डिंग भी देखेगा, खुद को समझेगा क्या हो रहा है।
रिकॉर्डिंग देखते हैं क्या? कोई देखता नहीं है। एक रिकॉर्डिंग दे दो, हमेशा देखते हैं। चलो ना मंदा, सीमा रिकॉर्डिंग चल। अनलिस्ट कर तो भेज दो। चालू है ना? अरे इसको थोड़ी ग्लोबल करो, ये तो अनलिस्ट में ही रखोगे। अभी इधर से करोगे? क्वेश्चन में सर सुविधा में रहेंगे चेंज इन ऑर्बिटल स्पीड अप, वो नहीं बोला कि पहले जैसे एप्पो जैसे मैंने क्या सोचा, अभी उधर जो स्पीड बढ़ाएगी तो किधर से किधर पहुंच जाएगा ना, वो इधर से ऑर्बिट में जाने से इधर में इधर चेंज करना पड़ेगा, उधर से चेंज किया जाए इसके से भी बड़ा हो जाएगा, वो रेडियस से इक्वल है। हां नहीं नहीं तो बहुत कम हो जाएगा। हां सही बात है, ये भी सर्जन का सही पॉइंट है कि अगर हम वहां से बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे कैसे, तो कम है वहां से देखें तब ना बढ़ता हुआ दिखेगा, बढ़ाना तो ना स्पीड। अभी ये वाली वेलोसिटी बढ़ी है या ये वाली वेलोसिटी बढ़ी है, और हमें बढ़ाना है फाइनल ये लाना है, तो कैसे बढ़ाइए? तो यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ की वेलोसिटी से वो वेलोसिटी बढ़ी आएगी, यहाँ से वेलोसिटी कम आएगी। हाँ देखो E की वैल्यू तो हमें मिल गई है, तो हमें ये पता है कि और A की वैल्यू भी मिल गई है क्या? दूर वाली डिस्टेंस आई है 3/2 आर, दूर वाली डिस्टेंस पास वाली आ रहा है, दोनों डिस्टेंस का सम कितना होगा? तो ये हो जाएगा 5R/2 = 2A, तो R = 4A/3, और E की वैल्यू हमें पता है 1/5। तो हम लोग एपोजिट पे स्पीड लिख सकते हैं, एपोजिट पे स्पीड कितनी बोलेंगे? √gm/a, a मतलब 3 के से 3/5, हमें a निकालना था ना। अरे यार क्या हो रहा है ये सब, 5R/4 और यहाँ पे एपोजी है मतलब कम वाला, तो ऊपर माइनस लेंगे और नीचे प्लस लेंगे, कितना जा रहा है ये 4/5 gm/r, ये 4 यहाँ पे 6, तो 4/6, तो ये कितना जा रहा है 16/30 gm/r। अब इनका डिफरेंस ले लूं इसके साथ में तो आ जा रहा है, हमें पता है दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो ए कट जाएगा, ई पता है तो वहां से आगे आ जाएगा, तो आगे दूर वाले डिस्टेंस आ गई 3/2 आर, हां अब आर ए प्लस आर पी बल्कि 2A होगा, तो ए भी आ गया बी भी आ गया। ये कैलकुलेशन ज्यादा नहीं था, ये तो इधर उधर की बातों के चक्कर में पड़ गया ज्यादा। अच्छा वो सबट्रैक्शन में आप क्या करेंगे? रूट कहाँ से आएगा? रूट
ये तो थोड़ा अपन को केवल इस बार आया, इसके पहले नहीं सर, इसके पहले भी आया था कितना होगा सर? देखो ना ऑप्शन में तो कितना आएगा लगभग? इतना रफली करो तो हो जाएगा उतने में। और हमने अप्रॉक्स जीरो लगा दिया तो अप्रॉक्स जीरो लगाओगे तो वो जीरो की जगह माइनस लगा देंगे। बस लाइक सेकंड दिस यार अब इतना तो करना ही पड़ता है, अब क्या करें? ज्यादा से अलग क्या किया करो कि ज्यादा कैलकुलेशन हो रही हो तो वहां पे रिपीट के लिए ऑप्शन रहता है, रिपीट के लिए मार्क कर दो और आगे बढ़ जाओ। कभी भी एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। पूरा जब पेपर अटेम्प्ट हो गया तो वापस देख लो जो जो रिव्यू के लिए मार्क किया वो पेपर कर लो लास्ट में। तीन का है तो हो सकता है कोई एक मिनट में हो जाए, तो इसलिए आप मैक्स टू मैक्स एक क्वेश्चन में 5 मिनट रुक सकते हो। 5 से अगर ज्यादा रुक गया कोई भी पेपर में एक बार तो उसका पेपर गया, क्योंकि पेपर केवल नॉलेज चेक नहीं करता ना, पेपर आपका मैनेजमेंट भी चेक करता है। इंजीनियर का काम ये नहीं कि जाकर फैक्ट्री में कुछ बनाना है, उनको बस क्या रहता है मैनेजमेंट संभालना रहता है, तो इसलिए मैनेजमेंट का भी चेकिंग चल रहा है पेपर में आपका। मतलब हर साल ऐसा होता है कि कुछ बच्चे क्या है सब कुछ आते हुए उनका पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं हो पाता। पूरा पेपर में कुछ तो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बहुत ही इजीली हो जाते हैं, वो छूट जाते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखो। सर कल का पेपर किसने दिया? कल का अभी तक तो कोई मतलब बहुत अच्छे बच्चों में तो अभी बंद कर लो।